जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जो आरपीएफ और रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स की जो वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें आपको कांस्टेबल और एसआई दोनों की वैकेंसी देखने को मिल रही है, और उसके अंदर डेटेड है लास्ट डेट 14/5/2024 तक ही लास्ट डेट है, जो रात को 12 बजे तक आप फिलअप कर सकते हैं। उसमें मेन इशू बच्चों को ये आ रहा है, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट किसी का जो रिजर्वेशन के अंदर अगर उसे भरना चाहता है तो उसके पास कास्ट सर्टिफिकेट अभी तैयार नहीं है, वो क्या करे और किस प्रकार से उसे भरे। तो सबसे पहले बता दें तो दोस्तों, इसमें ये रेलवे की वैकेंसी और रेलवे की सर्विस, जितने भी फोर्सेस हैं, फोर्सेस में सबसे बेटर रेलवे की सर्विस है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम, जो भी अगर आपने एक्स्ट्रा टाइम अगर आपने ड्यूटी दिया तो एक्स्ट्रा टाइम वो पे में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको एक्स्ट्रा आपको अलाउंस के तौर पर एक्स्ट्रा पे आपको दिया जाएगा। जिस प्रकार से आपकी ड्यूटी 8 घंटे की है और आप 8 घंटे के बाद अगर जैसे ट्रेन लेट हो जाती है, वो ले जाती है, तो आप 9-10 घंटे तक आप ड्यूटी देते हैं, तो आपको 2 घंटे का एक्स्ट्रा आपका पे बेनिफिट इसमें मिल जाता है। वहीं पर दूसरे फोर्सेस में क्या है, अगर आपको 8 घंटे की ड्यूटी है, अगर आप वहां पे 12 घंटे भी खड़े हो गए, दूसरा अगर कोई रिलीवर आपका नहीं आया तो इसमें कोई आपको फायदा नहीं होगा, कोई उसमें कुछ नहीं। लेकिन रेलवे के अंदर ये है कि अगर आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है, कोई ट्रेन को जैसे आपको ले जाना है, वहां से गंतव्य स्थान तक पहुंचाना है, अगर वो ट्रेन 10 घंटे लेट हो जाती है तो 10 घंटे की जो आपकी एक्स्ट्रा ड्यूटी है उसके ऊपर आपको पे मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये रेलवे में जितने फोर्स, रेलवे के अंदर अगर फोर्स की नौकरी है तो ये बहुत बेटर है, इसी वजह से अच्छी भी लगती है कि आपने एक्स्ट्रा वर्क किया और आपको मिल जाता है। रही बात दोस्तों यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट की, अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपका नहीं बना हुआ है तो आप क्या करें। यहीं पे दोस्तों, जिसका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं तैयार हो पाया है टाइम से, वो वही फॉर्म फिलअप कर दें। यहाँ पे अगर प्रश्न होता है कि क्या आप स्टेट का आपने बनवा रखा है, तो क्या स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट आप उसमें फिलअप कर सकते हैं या नहीं, तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर कुछ कास्ट ऐसे हैं जो सेंटर उसे जनरल अनरिजर्व में मानता है, वहीं पे स्टेट उसे अपने आरक्षण देने के लिए, अपने खुद स्टेट के फायदे के लिए उसे दूसरे कैटेगरी में, उसे ओबीसी और ओबीसी के अंदर डाल रखा है, वहीं पे स्टेट जबकि उसे जनरल कैटेगरी में डाल रखा है। उदाहरण के लिए मान ले जैसे एक कास्ट ए है और वो पूरे जैसे 2-3 स्टेट में, जैसे हिमाचल प्रदेश, यूपी और राजस्थान चाहे हरियाणा, तीनों में ये निवास करती है। यहाँ पे जनसंख्या यूपी में अगर अधिक है तो यहाँ पे यूपी इसे रिजर्वेशन दे देता है और इसे ओबीसी कैटेगरी में डाल देगा। वहीं पे अगर उसके अंदर जैसे अदर स्टेट में अगर इसकी जनसंख्या और इसका पॉपुलेशन उसके बैकग्राउंड के हिसाब से सही है तो वहां पे उसे जनरल में रखा जाता है। इस वजह से ये दिक्कतें आती हैं, इस वजह से सेंटर का अलग कास्ट सर्टिफिकेट और स्टेट का अलग कास्ट सर्टिफिकेट तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इसके अंदर सेंटर की भर्ती है और इसके अंदर सेंटर का ही कास्ट सर्टिफिकेट मान्य होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये लेटर है, ऑफिस मेमोरेंडम है 5 जुलाई 2005 का, इसमें कास्ट सर्टिफिकेट, ये कौन सी कास्ट, किस प्रकार से कितना स्टेट में रिजर्वेशन है, किस स्टेट में किस प्रकार से रिजर्वेशन है, उसके बारे में सब डिटेल से दिया गया है। यहाँ पे नीचे अगर आप इसको देखते हैं स्क्रॉल करके, यहाँ पे स्टेट नेम ऑफ स्टेट और परसेंटेज एससी एसटी और ओबीसी का कितने रिजर्वेशन है। जिस प्रकार से उदाहरण के लिए बताते हैं, आंध्र प्रदेश है 16% एससी के लिए है और 7% एसटी के लिए और 27% ओबीसी के लिए रिजर्वेशन है। जिस प्रकार बिहार यहाँ पे ले लेते हैं तो बिहार में जिस प्रकार देखते हैं 16% एससी का रिजर्वेशन है और 1% एसटी का और 27% ओबीसी के रिजर्वेशन है। 15% एससी के लिए है और 20% एसटी के लिए और 15% ओबीसी के लिए। वहीं पे महाराष्ट्र में 10% एससी के लिए, 9% एसटी के लिए और 27% ओबी के लिए रिजर्वेशन है। इसी प्रकार देखा जाए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 21% एससी कैंडिडेट का, 1% एसटी कैंडिडेट के लिए और 27% ओबीसी कैंडिडेट के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे ओबीसी के लिए, इस प्रकार से जो रिजर्व कैटेगरी है उनको भी डिवाइड किया गया है। तो आप ये चक्कर में ना रहें कि सबको 27% हर स्टेट में है, हर स्टेट में अलग अलग उसका रूल है सेंटर के लिए और सेंटर के लिए मान है।
इसी प्रकार से देखा जाए तो टोटल वैकेंसियों को रिजर्व किया, टोटल वैकेंसी को डिवाइड किया गया अनरिजर्व कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, और टोटल इतना 3577 वैकेंसी इस प्रकार से मेल के लिए रिजर्व की गई। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट के लिए टोटल 631 वैकेंसियां रिजर्व की गई और 420 वैकेंसियां एक्स सर्विसमैन के लिए 10% कोटे की तरह रिजर्व की गई है। फिर बात करते हैं जिनका सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है, तो वो भी बच्चे फॉर्म भरते हैं। ओबीसी के लिए रिजर्वेशन जैसे 27% यूपी के अंदर है, एससी के लिए 21% है और एसटी के लिए जो 1% है, इस प्रकार से अगर रिजर्वेशन उसको दिया गया है और वहीं पे ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है, वहीं पे अगर इसमें अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं तैयार हो पाया है, अगर बाद में अगर आप तैयार कर लेते हैं, इसमें अगर कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म फिलअप कर देते हैं और समय रहते हो सके, मान लीजिए 14 तारीख के बाद अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट तैयार होता है, तो उसमें अमेंडमेंट का जब ऑप्शन आएगा उसमें आप फिलअप कर देंगे, उसमें उसे अमेंड करके उसमें सबमिट कर देंगे, और ताकि उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका कैलकुलेट हो जाए, क्योंकि आने वाले समय में कई बार कोर्टों ने यह आदेश दिया है कि आपने अमेंडमेंट का समय दिया है, इसलिए बच्चों ने उसे अमेंडमेंट करके अपनी योग्यता पूर्ण की है, और इसमें ये डिसाइड नहीं है कि कब तक का सर्टिफिकेट चाहिए, यहाँ पे कोई नहीं लिखित में है। इसलिए दोस्तों आप फॉर्म फिलअप कर दें और अमेंडमेंट के समय आप अमेंड कर देना और उसे पक्का मान्य होगा 100%। और साथियों अपने तैयारी में लग जाओ, समय बहुत कम है और सीटें भी आपको पता है कितनी है और समय भी बहुत कम है। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।